आई रिमेंबर ये दोनों जब शादी से पहले कोर्टशिप के दिनों में अमित जी और जया जी मुझे रेशमा अपार्टमेंट घर था पाली हिल पे वहाँ से मुझे लेते थे अपने साथ रात को ड्राइव पे टू बॉम्बे ऑल द वे टू द ताज रात को हम कॉफ़ी पीने जाते थे आई गेट रियल इमोशनल टॉक अबाउट हिम बिकॉज ही इज ही वॉज ऑलवेज माई फादर फिगर एंड ब्रदर आप सब जानते हैं कि दिलीप साहब की कॉपी के बगैर तो कोई एक्टर है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में सबसे पहली बहन का रोल मैंने किसके साथ किया आप बताइए आपको याद है मैं बताती हूँ दिलीप कुमार साहब के साथ आई रिटल इमोशनल मैंने टॉक अबाउट हिम बिकॉज ही इज ही वॉज ऑलवेज माई फादर फिगर एंड ब्रदर सॉरी लेकिन उनकी बहन का रोल था और वो सबसे पहले मेरे पास बहुत सी फिल्में थी उस वक्त लेकिन वो वो फिल्म मेरे पास आई और आई वॉज डाइंग टू इवन लुक एट द मैन मे शेक हैंड्स विद द मैन तो मैंने फ़ौरन हाँ कह दिया और लेट मी टेल यू एक रिश्ता बन गया मेरा उनसे और भी से जो मेरी बड़ी बहन है फॉर लाइफ आर टुगेदर फॉर लाइफ एंड इतना कुछ सीखने को मिला बतौर आर्टिस्ट तो मिला ही बिकॉज ही वॉज द बेस्ट ही विल ऑलवेज बी द बेस्ट द वन एंड ओनली लेकिन बतौर इंसान बहुत कुछ सीखने को मिला दिलीप साहब से बहुत कुछ मैंने इतने बड़े इंसान को एक लाइटमैन के साथ एक चाय शेयर करते हुए देखा अनबिलीवेबल बहुत बहुत ह्यूमिलिटी अपने आप को कुछ ना समझना इतने बड़े होते हुए ये सब बातें हर इंसान में हो तो क्या बात है तो खैर तो वहीं से हमारी गाड़ी शुरू हुई बहन वाला जो कैरेक्टर हुआ पिक्चर का नाम था गोपी एंड uh, गोपी के बाद तो ऐसा हुआ कि जितने बड़े एक्टर थे जितने क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिलीप साहब की कॉपी के, के बगैर तो कोई एक्टर है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कोई बचा ही नहीं जिन्होंने उनकी नकल नहीं की हो और इस सब कहने लगे कि बहन का रोल दिलीप साहब की जो बहन थी उसको चाहिए वो हमें वही चाहिए हमें वही चाहिए तो आई वॉज कास्ट फिल्म आफ्टर फिल्म आफ्टर फिल्म आफ्टर फिल्म एज अ सिस्टर तो कोई बात बुरी बात नहीं बहन होकर भी बहुत कुछ करने को मिला अच्छी स्क्रिप्ट आती थी अच्छी सीन्स होते थे गाने होते थे बहन गाना भी गा रही थी तो आज मिसिंग आउट ऑन नथिंग मैं हिरोइन नहीं बनी उसका मुझे अफसोस कभी नहीं हुआ क्योंकि एज एन एक्ट्रेस एज एन आर्टिस्ट आपको सेटिस्फैक्शन मिल ही रहा था दैट इज फाइन बहुत पारस पारस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट मेरा पहला फिल्म फेयर अवार्ड वही फिल्म फेयर जो हमें लाया है देव गेव इज द फर्स्ट अवार्ड गेव मी द फर्स्ट अवॉर्ड फॉर पारस नाइनटीन सेवनटी टू देन नाइनटीन सेवनटी फाइव मजबूर वॉज स्पेशल रोल ऑल्सो बिकॉज द ग्रेट मिस बच्चन वॉज विचुअली अमित जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है जया के साथ तो और भी पुराना बहुत प्यार है हम दोनों आपस में अभी भी मिल नहीं पाते हैं इतना जितना पहले मिलते थे लेकिन उसमें हमारे प्यार में कोई दरार नहीं पड़ सका हम दूरी में भी वे आर क्लोज़ टू इच अदर एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन वॉज वी big बिग ग्रूप ऑफ actually एक्चुअली एंड वीज टू ऑलवेज मीट इच अदर आई remember ये दोनों जब uh, शादी से पहले कोर्टशिप के दिनों में अमित जी और जया जी मुझे रेशमा अपार्टमेंट घर था पाली हिल पे वहाँ से मुझे लेते थे अपने साथ रात को ड्राइव पे टू बॉम्बे ऑल द वे टू द ताज रात को हम कॉफ़ी पीने जाते थे सोचिए आप तो वो मज़ेदार दिन थे और अब भी अमित जी ग्रीटिंग्स भेजते हैं बर्थडे पे, आई मीच हिम, आई मेट हिम ड्यूरिंग कब कभी खुशी कभी गम बट uh, मजबूर अपना uh, जो फ़िल्म थी उनके साथ uh, मजबूर वो स्पेशल इसलिए भी थी कि बहुत ही अलग किस्म का रोल था uh, मुझे क्रिपल्ड गर्ल ऑन व्हील चेयर पूरी फिल्म व्हील चेयर पर कराई गई तो अच्छी बात मुझे ये लगी मिस्टर रवि टंडन द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जो बहुत प्रिसाइज बहुत परफेक्शन पसंद भी थे आई वेरी गुड टाइम आई वर्किंग विद रवि जी ही उन्होंने मुझे अपने घर पर व्हील चेयर भिजवा दिया था बिफोर द शूटिंग स्टार्टेड टेन डेज फिफ्टीन डेज बिफोर द शूटिंग सो दैट ऐसा लगना चाहिए किन सारी जिंदगी में व्हील चेयर पर ही बैठी रही हूँ तो वो आना चाहिए कि आई वेरी यूज़ टू इट तो फॉर द टू प्रैक्टिस ऑन द व्हील चेयर टू गो अबाउट माई हाउस ऑन द व्हील चेयर हाउ टू टर्न इट फॉर फॉर अ टर्न हाउ टू वो कैसे करूँ कैसे करूँ ऑपरेट करूँ उसको तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं बहुत यूज़ टू हो गई और ऑन द सेंस मैं बहुत कंफर्टेबल थी एंड इट केम अक्रॉस कि मैं जिंदगी भर व्हील चेयर पर पे ही रही होंगी वो ईज आ गया जस्ट वेरी वेल थॉट ऑफ आई थॉट ये बहुत अच्छा ख्याल था कि मैं उस पर प्रैक्टिस कर लूँ और फिर सेट पे आऊँ तो दैट वाज वन स्पेशल फिल्म एंड एक बार दिलीप साहब हमारे साथ थे सारे भी क्योंकि प्रेम जी वॉज़ वेरी द प्रोड्यूसर uh, मजबूर वॉज वेरी क्लोज टू दिलीप साहब तो so उन्होंने एक ट्रायल पर एक शो पर उन्होंने बुलाया था खास मेहमान के तौर पर तो हमारे बाजू में ही बैठे थे तो मेरा फर्स्ट शॉट था मजबूर में जो मैं हंसती हुई निकलती हूँ व्हील चेयर में अब जोक्स की किताब पढ़ रही हूँ और मैं खूब जोर जोर से हंस रही हूँ हंस रही हूँ और वो आके बोलते हैं क्या है रेनू क्या पढ़ मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या है क्या पढ़ रही अरे ऐसा जो है सुनाओ सुनाओ हमें भी जो सुनाओ तो मैं शुरू करती हूँ सुनाना और मैं सुना ही नहीं पाती हूँ इतना मैं खुद हंस रही हूँ और हंस रही हूँ और हंस रही हूँ और बताते बताते मैं और भी हंस रही हूँ तो हाँ बहुत अच्छा जोक है बहुत अच्छा जोक है एंड में बोल देते बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टेल द होल जोक तो वो शॉट मुझे याद है अंधेरे में ही सेट वेल डन माय गॉड आई कान टेल यू सबसे बड़ा अवार्ड तो वही था जब दिल साहब ने कहा कि शॉट वेल वेल डन फॉर फॉर दैट वो हंसने वाला शॉट तो बस वो मेरे लिए इसलिए स्पेशल हो गया और भी और फिर uh, फिल्म फेयर ने अवार्ड दे दिया फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उस साल भी ऐसा हुआ था कि नादरा जी हमारी सीनियर एक्ट्रेस थी शी है डन अ वंडरफुल जॉब इन जूली नो टू वेज बहुत बहुत उमदा काम था उनका एज जूलीज़ मादर का रोल किया था बहुत बेहतरीन काम था उनका तो उस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उनको देना बनता भी था सेवेंटी फाइव की बात है और हमने सब मुझसे भी पूछा कि मैंने कहा प्लीज़ आराम से आप दें बिकॉज उसके बाद शी वुड बी रिटायरिंग शायद मौका दोबारा ना हो काफ़ी एजड थी एंड सो वी ऑल फेल्ड के देना चाहिए लेकिन जब ऑज मिस्टर ख़तीब हुईज़ टू वर्क विद फिल्म फेयर उन्होंने मेरे साथ शेयर की इस बात को कि है तो सही कि उनको देना है लेकिन इतने वोट्स आपके फेवर में आए हैं फॉर मजबूर तो हम आपको स्पेशल अवार्ड देंगे देर वॉज देशल अवार्ड दैट वॉज गिविन टू मी ऑन फॉर मजबूर नाइनटीन एंड इससे पहले हमने एक बार राजेंद्र कुमार को दिया था फॉर संगम बिकॉज वो उसमें भी फिट नहीं हो रहे थे हीरो का हमको देना था राज जी को और उसमें भी फिट नहीं हो रहे थे कि सपोर्टिंग में तो थे नहीं ही वॉज हीरो ऑफ संगम ऑल्सो तो उनके लिए हमने स्पेशल अवार्ड क्रिएट किया था उस वक्त तो दैट कैटेगरी इज़ देयर तो हम आपको दे पाएंगे आप विज सो हैप्पी तो मुझे भी मिला उस साल अवार्ड